हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है कॉन्शियस लाइफ ऑफ अर्चना। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा है कि हम लोग जगन्नाथ पुरी जाके आए थे और वहाँ से हमने काफ़ी शॉपिंग की। और जो मेरी ये शॉपिंग की वीडियो है वो थोड़ी सी लेट होगी, तो चलो इस शॉपिंग वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग काफ़ी गिफ्ट आइटम्स वहाँ से बाय करके लाए थे, तो मैंने ये बीच से ऐसी ये शंख की जो है चूड़ियाँ बाय की थी, और इनके साथ मैंने रेड भी पेयर किया है गिफ्ट देने के लिए। ये बेस्ट ऑप्शन है अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं। तो उसके बाद हमने ये रघुराजपुर से ये एनवेलप बाय किए थे। ये 40 रुपीज़ के थे। ये आप चाहे तो इसे एज ए वॉल हैंगिंग यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी मैंने पीपली से पर्स बाय किए थे। ये हैंडमेड पर्स है, कॉटन के हैं, काफ़ी अच्छा। एक आप ऐसे क्लच भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने अपनी फ्रेंड्स वगैरह और रिलेटिव्स को गिफ्ट देने के लिए बाय किए थे। इसका प्राइस शायद 100 था। और ये रघुराजपुर से बच्चों ने अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट देने के लिए ये बुक मार्क बाय किए हैं, तो इनका रेट है 40 रुपीज़। काफ़ी अच्छी उस पर हैंड पेंटिंग की हुई थी। और उसके बाद हमने ये रघुराजपुर से ये की रिंग वगैरह लिए हैं। ये सारी वुडन के की रिंग है और काफ़ी अच्छी पेंटिंग भी की है। ये सारी हैंडमेड पेंटिंग है। ये बच्चों ने अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट देने के लिए वहाँ से की रिंग बाय किए थे। ये तो हमने बीच से बाय किया था। शॉपिंग जो है वो मिक्स है। ये मैंने पीपली से अपने लिए पर्स बाय किया था। ये लेदर का पर्स है, काफ़ी अच्छी उस पर पेंटिंग है। और ये मैंने भी वहीं से पीपली से ऐसा बॉक्स लिया है अपने ज्वेलरी वगैरह लेने के लिए। इसके मैंने काफ़ी जो है सेट लिए हैं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को गिफ्ट देने के लिए। इसका रिटेल प्राइस भी 40 रुपीज़ है। जो की रिंग थे वो 20 रुपीज़ के थे। और ये हमने पीपली से आर्ट वर्क बाय किया है। तो लास्ट ब्लॉग में आपने जैसे देखा होगा कि हम लोगों ने उसे अपने जो दीवार पे लगा लिया है। ये मैं और लेके आई थी गिफ्ट देने के लिए। ये हमने बार्गेनिंग से 300 का लिया है। और ये हमने रघुराजपुर से पपेट्स लिए हैं, काफ़ी अच्छे पपेट्स हैं। ऐसे मैंने पपेट्स जो है वो बाल्टी बॉयज़ कार्टून करके आता है उसमें मैंने कार्टून था उसमें ये पपेट यूज़ किए थे। फिर मैंने ये लिया है छोटा सा टेंपल, इसमें जगन्नाथपुरी जी की थोड़ी छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं। ये भी हैंड पेंटिंग है। और ये वुडन का जो है वो पेन स्टैंड लिया है। काफ़ी अच्छी आइटम मैंने बाय की हैं। एक्चुअली ये ब्लॉग जो है वो थोड़ा सा लेट हो गया है। मैं इवनिंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो लंच हमने स्किप किया था। तो फिर हम इवनिंग में वेजिटेबल सैंडविच जो है वो आज जो है बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने इस चॉपर में अपनी सारी वेजिटेबल्स को चॉप कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने प्याज को चॉप कर लिया है। ये जो चॉपर है, ये जो मेरे किचन का जो काम है वो काफ़ी इससे ईजी हो जाता है। जल्दी से जो है वो इक्वल साइज़ में सारी जो वेजिटेबल्स है वो चॉप हो जाती हैं। फिर उसके बाद मैं कैप्सिकम को भी चॉप कर लूँगी। ये गणेश कंपनी का चॉपर है। ये 12-in-1 चॉपर है। इसमें और भी काफ़ी अटैचमेंट्स मिलते हैं, बट मैं मोस्टली जो सैंडविच के लिए यही वाला जो है अटैचमेंट यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपनी सारी जो वेजिटेबल्स मैंने चॉप की थी उसे मैं मिक्स कर लूँगी एक बाउल में, टोमेटो, कैप्सिकम और अनियन। ये चॉपर ने मेरी लाइफ बहुत इजी कर दी है। मैं मिनटों में जो है चॉपिंग का काम मेरा ख़त्म हो जाता है। फिर उसमें मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर और ओरिगैनो, और इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये वाले जो सैंडविच है हमारे ऑल टाइम फेवरेट है। हमें अगर कुछ ना समझ आए तो हम लोग यही वाले वेजिटेबल सैंडविच प्रिपेयर कर लेते हैं। तो मैं उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने खीरा भी काट के रखा था, उसे भी मैं अब चॉप कर लूँगी और अपने मिक्सचर में भी इसे मिक्स कर लूँगी।
फिर उसके बाद मैं जो है चीज़ को ग्रेट कर लूँगी। इसके लिए मैंने पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ किया है अमूल ब्रांड का, इसे मैं अब चॉप कर लूँगी। आप चाहे तो इसे काट के भी अपने मिक्सचर में ऐड कर सकते हैं। चीज़ ऐड करने से थोड़ा सा जो पिज़्ज़ा का टेस्ट आपके सैंडविच में आ जाता है, तो इसे भी मैं अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फिर मैंने एक्चुअली जो पहले सैंडविच है वो बिना मेयोनीज के तैयार की है, क्योंकि जो मेरी नाइमा है वो मेयोनीज वाले जो सैंडविच वो पसंद नहीं करती। फिर बाकी वाले मिक्सचर में मैं मेयोनीज ऐड कर दूँगी। ये बीबक की मेयोनीज मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये ग्रिल जो सैंडविच मेकर है ये महाराजा कंपनी का है। ये काफ़ी अच्छा ग्रिल सैंडविच मेकर है और इसे मैंने प्री हीट कर लिया था। जब तक कि हमारे पहले सैंडविच रेडी होते हैं तो मैं बाकी जो सैंडविच है वो रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार सैंडविच मेकर गर्म हो जाए तो दूसरा जो स्लॉट होता है वो काफ़ी जल्दी बन जाता है। तो मैं एक एक करके बाकी के सैंडविच भी अपने जो मिक्सचर है वो फिल करके रेडी करके रख लूँगी। मेरे सारे सैंडविच फिल हो गए हैं, तो हमारा जो पहले वाला सैंडविच मैंने लगाए थे वो भी रेडी है। तो इसे अब मैं काट के सर्व करूँगी और बाकी के सैंडविच भी मैं ऐसे ही रेडी कर लूँगी। हमारा सैंडविच रेडी है। जैसे कि मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में, चलिए आज हम आपको अपने घर के एक छोटे से आर्टिस्ट को के साथ हम मिलवाते हैं और वो आर्टिस्ट है हमारे घर का टैटू मेकिंग आर्टिस्ट। तो चलो अपना टैटू आर्ट दिखाएं। पेपर में काफ़ी छुट्टियां हैं तो प्रेपरेशन ये अपने एग्ज़ाम्स की बहुत जल्दी कर लेती हैं, तो बाकी जो डेज है वो फ्री होते हैं तो थोड़ा सा ये फंड भी अपना टाइम को यूज़ कर लेती हैं। और ये जो है यहाँ पे एक दूसरे से बात चल रही है कि ये टैटू उसने ड्रॉ किए थे नाइमा ने, तो ये थोड़ा सा डिसाइड हो रहा है कि मैं कौन सा टैटू अपने जो है वो कहाँ पे बनवाऊँ। बट थोड़ा सा ये कंफ्यूजन वाला काम हो गया तो फिर डिसाइड हुआ कि ये वाला टैटू आप मेरे जो है वो हैंड पे बना दो। बट बनाने तो स्टार्ट हुआ बट फिर थोड़ा से ही देर में दोनों की फाइटिंग स्टार्ट होगी, तो ये जो टैटू है वो बीच में ही छूट गया। और उसके बाद जो नंबर आया वो है मेरा, तो देखते हैं कि मेरी भी हैंड पे टैटू बन पाता है कि नहीं। तो फिर क्या था, ये स्टार्ट हो गया टैटू मेकिंग। Beep beep beep.
फाइनली ये टैटू बन गया है और लास्ट में लिखा गया है डू व्हाट योर हार्ट सेज। वैसे तो ये बात बिल्कुल 100% करेक्ट है, डू व्हाट योर हार्ट सेज। रियलिटी में सच में ऐसा ही होना चाहिए, जो आपका दिल कहता है वही करना चाहिए, बट ऐसा करना काफ़ी मुश्किल है। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।